कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, मध्य प्रदेश में भाजपा ही भाजपा की बनी दुश्मन, भाजपाइयों में मची खलबली। आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्य प्रदेश में प्रथम पंक्ति के भाजपा नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय ने माना कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बन गए हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि संगठन और सरकार में कुछ कमियां हैं जिसे दूर करने की जरूरत है। बताते चले, चुनाव से पहले पब्लिक में पार्टी की पोजीशन को लेकर आज कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया है वह यही बयान है जो कुछ सालों पहले कांग्रेस के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दिया करते थे। वे कहते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को केवल कांग्रेस ही हरा सकती है, भाजपा में दम नहीं है। आज कैलाश विजयवर्गीय ने बिल्कुल वही कहा है, मध्य प्रदेश में भाजपा को केवल भाजपा हरा सकती है, कांग्रेस में दम नहीं है। बता दें, गुरुवार को इंदौर में एक न्यूज चैनल के माध्यम से उन्होंने बताया कि कैलाश विजयवर्गीय एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही हरा सकती है। यदि हमने संगठन की गलतियां ठीक नहीं की तो भाजपा ही भाजपा को हरा देगी। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, कॉमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।